नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाड़ी और सिलसिला बाजारों का मैं आज एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट। लेकिन कमोडिटी बाजार का अपडेट शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर लॉकडाउन लगने की स्थिति में अगर आप चिंता कर रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा जैसे कि पहले लगता नजर आया था महामारी के कारण, और अब ओमिक्रॉन भी भारत में आ चुका है, और उस लॉकडाउन में अगर आपको चिंता सता रही है कि आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, आपकी जो व्यापार है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो ऐसे में आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे, आप अपना व्यापार घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ऐप के ज़रिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए छोटा सा काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, मोबाइल पर अपने मोबाइल में माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड करना है। MYMI BIG BLISS बिग ब्लिस, माई बिग ब्लिस, आपको माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस पर एक स्टोर बनाना है, और स्टोर बनाने के बाद आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, और इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई फीस किसी भी तरह की नहीं देनी है। तो लॉकडाउन लगे चाहे ना लगे, आप अपनी ग्राहकी, अपनी सेल्स तब भी बढ़ा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। इसके लिए आप कोई फीस, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्री में है, और ऊपर से जो ऑर्डर्स आएंगे उसके लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी ऑर्डर्स आए, आपको बस उन ऑर्डर्स पर अपना सामान देना होगा जो कि जिस चीज़ का ऑर्डर आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हो, अगर आप घर में काम करने वाली गृहिणी भी हैं तो आप भी सामान इस पर अपना ऐप के थ्रू बेच सकती हैं और पैसे घर बैठे बैठे कमा सकती हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से आज के कमोडिटी बाजार के अपडेट की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। देख रहे हैं आज गोल्ड $1,788 पर है और सिल्वर $22.5 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर आज भी जो प्राइसेज हैं, जो फ्लैट देखने को मिल रहे हैं लगातार 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से, पिछले से हम देख रहे हैं कि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से जो गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइसेज हैं वो लगभग फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं और फ्लैट ही क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं डेली बेसिस पे। थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिल जाती है इंट्राडे में, कुछ पॉइंट ऊपर चला गया, कुछ पॉइंट नीचे चला गया, लेकिन ओवरऑल अभी नज़र देखी जाए, अगर टेक्निकल चार्ट पे नज़र डालें तो गोल्ड के जो प्राइसेज हैं वो थोड़े फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। अब इसका एक मुख्य कारण है, वो है कि US से जो डेटा निकल के सामने आ रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, एक वो, और दूसरा ये जो ओमिक्रॉन है, कोरोना का नया वेरिएंट है, ये जो आया है भारत में दस्तक दी है, इसने बाकी देशों के साथ साथ, उसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर, जो निवेशक हैं वो बस इस बात पे नज़रें गड़ा के रखी हुई है। उन लोगों ने इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट मार्केट पर कब आता नज़र आएगा, और आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, वो बस इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इम्पैक्ट पता लगे, और उसके बाद वो इस पर विचार करें कि आगे अगर इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन का, लॉकडाउन की स्थिति ज़्यादा है, तो उस गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, हेजिंग करी जाए, जिसकी वजह से जो प्राइसेज हैं वो ऊपर जाएंगे और अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तीसरा जो गोल्ड में मंदी तेजी ला सकता है वो है फेडरल रिजर्व बैंक की ब्याज दरों की पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। अगर फेडरल रिजर्व बैंक, अगर US फेड ब्याज दरों में कोई बड़ा घटबढ़ का फैसला ले लेता है तो उसका भी असर कहीं ना कहीं सोने चांदी की कीमतों पर ज़रूर पड़ता नज़र आएगा, और हो भी सकता है कि काफ़ी ज़्यादा उठापटक का माहौल देखने को मिले। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, अभी तक सिर्फ बयान निकल के सामने आ रहे हैं कि जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है वो कुछ फैसले ले सकता है, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। तो अगर लेता है तो वॉलेटिलिटी आएगी, और अगर ओमिक्रॉन बढ़ता है तो तेज़ी आएगी। तो ओवरऑल अभी गोल्ड सिल्वर के जो प्राइसेज हैं वो ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे। बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि कल के मुकाबले थोड़ा और तेज देखने को मिल रहा है, हालांकि लाल निशान पर है, लेकिन क्रूड ऑयल में अभी तेजी देखने को मिल रही है। WTI की बात करें तो $71 पर है और ब्रांड क्रूड ऑयल $75 पर। देख रहे हैं कि WTI और ब्रांड क्रूड ऑयल कल के मुकाबले लगभग 1.5 से 2 पॉइंट और ज़्यादा उछले हैं। आपको बता दें कि अभी तक ओमिक्रॉन का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये जो नया वेरिएंट है कितना खतरनाक हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से भी हम देखेंगे कि आगे कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कैसी रहती है। लॉकडाउन की परिस्थिति लगती है तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी कमी आएगी, गतिविधियाँ कम देखने को मिलेंगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी कहीं ना कहीं डाउन होते नजर आएंगे। लेकिन अगर प्राइसेस डाउन, अगर डिमांड एज इट इज़ बनी रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना वैक्सीन भी बड़े पैमाने पर लगाई जा चुकी है, भारत ने पूरे विश्व भर में रिकॉर्ड कायम किया है
कोरोना की वैक्सीन लगाने में, और दूसरा विदेशों में भी जो वैक्सीनेशन जो रोल आउट हो चुकी है, काफ़ी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जा रही है, तो अब ये देखना होगा कि क्या वैक्सीनेशन जो लगी है, जो वैक्सीन लगाई गई है, क्या वो नए वेरिएंट को रोकने में सक्षम है या नहीं है। उसके मद्देनज़र ही लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को, लॉकडाउन वाली परिस्थितियां बनेंगी और फिर उसके बाद ही कच्चे तेल की जो डिमांड सप्लाई है वो तय की जाएगी। हाल फिलहाल में कच्चे तेल में तेजी ही देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर कॉपर की, तो कॉपर देख रहे हैं $4.3 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और MCX जिंक 273 पर है, MCX निकल 1567 पर और MCX लेड 184 पर। देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो प्राइसेस हैं वो कल वाला ही देखने को मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है, जो प्राइसेस हैं वही देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि चाइना की तरफ से कॉपर की जो डिमांड है वो निकल के सामने आई है और दूसरा जो सप्लाईज हैं वो टाइट बताई जा रही हैं कि सप्लाई थोड़ी टाइट है, सप्लाई थोड़ी कम रह सकती है, जिसकी वजह से कॉपर में तेजी देखने को मिल रही है। तो आज के कारोबारी सत्र में सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमसी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर लगातार फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और क्लोजिंग भी उन्हीं लेवल्स पर हो रही है जिस लेवल्स पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या जब तक फेड की तरफ से बयान पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज कब बदलेंगी, कितनी बदलेंगी और ओमिक्रॉन का इंपैक्ट नहीं पता चल जाएगा, क्या तब तक सोना और चांदी इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे? देखिए फिलहाल सोना और चांदी में मूवमेंट जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। साइडवेज मोमेंटम में भी डिप पर बाइंग ही इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, तो फिलहाल पॉजिटिव है रुझान, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है, चाहे वो सोना हो या फिर चांदी, दोनों ही कमोडिटीज के अंदर निचले स्तरों पर बाइंग जो है वो हावी होते हुए नजर आ सकती है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेक्टेड है कि ऊपर में एक बार $1800 के आसपास सोना जा सकता है। जी ये सर रूपा जी देख रहे हैं कच्चा तेल भी आजकल के मुकाबले लगभग 1.5 से 2 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ओमिक्रॉन अब देश में भी आ चुका है तो क्या कच्चे तेल में आगे जाके कमी देखने को मिलेगी? देखिए कच्चे तेल में अभी फिलहाल प्रेशर जो है वो कंटिन्यूशन में बढ़ सकता है क्लेश, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि $70 तक अपसाइड पकड़ सकता है, 70 से अभी हमने कल देखा $72 का भी लेवल टच हो गया, लेकिन आज वापिस से उन्हीं लेवल्स पर करेक्शन बनती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही है। और अभी जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट है वो फ्यूल डिमांड के ऊपर बना रह सकता है, इस वजह से अभी प्रेशर में कमोडिटी जाती हुई दिखाई दे सकती है और नीचे में $68 का लेवल, फिर से $68 से $65 तक मार्केट जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक बार इसके अंदर बिकवाली की तरफ ही रहना चाहिए, बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जी तो यानी कि कच्चे तेल में रूपा जी की तरफ से बिकवाली की सलाह रहेगी, कच्चे तेल में आगे जाके कुछ नरमी बनती नजर आ सकती है, मार्केट सेंटीमेंट्स भी रूपा जी के अनुसार अभी ऐसी डाउनवर्ड्स वाले बनते नजर आ रहे हैं, तो ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी रूपा जी की तरफ से कच्चे तेल में, और अभी निचले स्तर देखने को मिल सकते हैं $65 से $68 तक रूपा जी के अनुसार कच्चे तेल का बाजार फिसलता हुआ नजर आ सकता है। इसे रूपा जी की तो कॉपर से खबर निकल के सामने आई है कि कॉपर के चाइना की तरफ से कॉपर की डिमांड काफी अच्छी है लेकिन सप्लाई टाइट है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कॉपर आगे जाके कितना और उछलेगा? देखिए कॉपर की बात करें तो कॉपर के अंदर अभी जो है पॉजिटिव ही है मोमेंटम, देखिए साइडवेज है ये भी, कल से हमने इसके अंदर एक ही रेंज में कारोबार होते हुए देखा है और अभी भी बाजार जो है उसी रेंज के बीच में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी ऊपर में 740 तक एक बार ऊपर कॉपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और निकल भी आप देखिए 1560 के ऊपर है, कल वाले ही लेवल है, तो अभी तेजी ही है, मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें प्रेशर नहीं लगता, 1580 तक ऊपर में निकल जा सकता है, तो वहीं कॉपर की बात करें तो 740 तक कॉपर की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी जानना चाहेंगे आपकी तरफ से आज नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर अच्छा मुनाफा चला जा सकता है? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर अगर आज टॉपिक की बात करें तो मुझे लगता है कि आज सोना और चांदी ऊपरी स्तर निचले स्तरों पर एक बार फिर से बाइंग में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, सोने और चांदी के अंदर आज बाइंग की स्ट्रेटेजी बनाकर चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज।